सियासी गहमा गहमी उरूज पर, कागजात नामजदगी जमा कराने में तेजी आ गई। चौधरी निसार की रावलपिंडी के तीन हलकों से एंट्री। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, मरियम नवाज और शफकत महमूद ने लाहौर से फॉर्म जमा करा दिए। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली की चार सीटों से लड़ने का फैसला। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के गुजरात की सीटों पर कागजात जमा। नून लीग के पार्लियामानी बोर्ड का इजलास, शहबाज शरीफ मरियम नवाज समेत उम्मीदवार कमेटी के रूबरू पेश। अफसोस है, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में एंट्री बहुत लेट डाली। शहबाज शरीफ का एतराफ, कयास आराइयां थी, बहुत ज्यादा अरकान मुस्लिम लीग नून छोड़ जाएंगे, वही गए जिनकी वाबस्तगी हमसे नहीं थी। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। टिकट न मिलने पर नाराज खिलाड़ियों का बनीगाला के बाहर एहतजाज और धरना जारी। पिशावर समेत कई शहरों में भी मुजाहरे। एनएक्स रावलपिंडी से रूठे रहनुमा एजाज आसिफ को कप्तान ने तलब कर लिया। टिकट से महरूम रहने वाले अफराद के लिए मसालती कमेटियां बनी गई। एक हजार से जायद दरखास्तें आईं, तमाम लोगों को टिकट देना मुमकिन नहीं था। तकसीम मेरिट पर की गई। वर्कर्स इमरान खान के नजरिए के मुताबिक काम करेंगे। शफकत महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में टिकट किस किस को देना है, आसिफ जरदारी भी मैदान में आ गए। लाहौर में मुशावरती इजलास तलब कर लिया। खानदान के खिलाफ नैब केसेस, सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब अदालत को एक माह में फैसले सुनाने का हुक्म। मुलजिमान परेशान और कौम जहनी अजियत का शिकार है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बेगम कुलसुम की अयादत के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बता दें वापस कब आएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। खदीजा केस में मुलजिम की बरैयत के खिलाफ केस, चीफ जस्टिस ने अपील। जस्टिस आसिफ सईद खोसा बेंच को भिजवा दी। अगर सब कुछ किसी वकील की बेटी के साथ होता तो क्या आपका रवैया यही होता। मुलजिम के वालिद पर चीफ जस्टिस बरहम। चीफ जस्टिस का फाउंटेन हाउस का दौरा, जहनी अमराज के मरीजों को सहूलियात का जायजा। किचन में गंदगी पर इजहार बरहमी, एक मरीज खातून के मांगने पर चूड़ियां और परफ्यूम देने का हुक्म। तीन से दो दिन पहले आपको चूड़ियां भी चाहिए, परफ्यूम लेके लिए आएंगे, आपके लिए चूड़ियां भी लेके आएंगे, अच्छे वाला लेके आए। चीफ जस्टिस के काफिले के आगे बुजुर्ग शख्स लेट गया, मुलाजमत पर बहाल करने का मुतालबा। जस्टिस साकिब निसार ने फरियाद सुन ली। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से रजू करने की हिदायत। सीपैक ने पाकिस्तानी मईशत को तकवीयत पहुंचाई। इलेक्शन के बाद मुल्क में मजीद इक्तसादी इस्तेहकाम आएगा। सदर ममनून हुसैन का शंघाई सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब। सदर मुमलिकत और भारतीय वजीर आजम का मुसाफा, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त। कराची मॉडल कॉलोनी में पुलिस मुकाबला, दो जख्मी मुलजिमों समेत तीन गिरफ्तार, दो साथी फरार। गिरोह एयरपोर्ट से निकलने वाले शहरियों से लूट मार करता था। लाहौर के इलाके काहना में धमाके के बाद पुलिस इन एक्शन। थाने से मुंसलिक दुकान के मालिक को हिरासत में ले लिया। धमाके की तहकीकात जारी। कबीरवाला में अड्डे के तनाजे पर दो ग्रुप्स में तसादुम। डंडों, सोटों और बोतलों का आजादाना इस्तेमाल। छह अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों और लवाहिकीन ने अस्पताल को भी मैदान जंग बना लिया। मरियम नवाज ने NA 127 में कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। नून लीग के पार्लियामानी बोर्ड का इजलास
लाहौर में जारी है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत कई उम्मीदवार कमेटी के रूबरू पेश हुए हैं। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। अगर बात करें मरियम नवाज की तो वो NA 127 में कागजात नामजदगी जमा करा चुकी हैं। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जो इस वक्त लाहौर में जारी है, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत कई उम्मीदवार कमेटी के रूबरू पेश हुए हैं। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के शहबाज शरीफ से उनकी कारकर्दगी पर भी सवालात हुए जब आज वो इस बोर्ड के सामने पेश हुए। इस दौरान शहबाज शरीफ ने इन सवालात का जवाब देते हुए कहा कि खिदमत ही मेरा नस्बुल ऐन है, मियां साहब आप ही मेरे कायद हैं और फैसला आप ही ने ही करना है। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के शहबाज शरीफ से कारकर्दगी पर सवालात सामने आए हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि खिदमत ही मेरा नस्बुल ऐन है, ये भी कहा कि मियां साहब आप ही मेरे कायद हैं और फैसला भी आपने ही करना है। आपने और पार्टी जो भी आप फैसला करवाएंगे मैं उसका पाबंद होना चाहिए और ये बात जहन में रहनी चाहिए सबके कि कायद आप हैं, आपने इस पार्टी को अपने हुकूमत के जरिए से सींचा और इसको पूरे पाकिस्तान में मुतारफ करवाया और इसी तरीके से अंदरून सिंध में बेपना गुडविल है, वहां पर लूट मार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। केपीके में अपना आप भी तशरीफ ले गए हैं, मैं भी गया, बेपना गुडविल है। अफसोस की बात यह है कि हमने इन दोनों सूबों में एंट्री बहुत लेट डाली, खासतौर पर सुबह से। और अब बात साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिन्होंने कहा है कि कयास आराइयां थी कि बहुत ज्यादा अरकान हमें छोड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वही गए जिनकी वाबस्तगी हमसे नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब का जो सूबे का नारा लगाया जा रहा है उस नारे में अब जान बाकी नहीं रही। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड जिसका इजलास हो रहा है वहां पर साबिक वजीर आजम अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। यूनिवर्सिटियां, कॉलेज न सिर्फ शहरों में बल्कि देहातों में बने हैं और मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल सही बात करता हूं कि इसलिए जो साउथ पंजाब वाला जो एक नारा था उसके अंदर जान ही बाकी नहीं रही और क्योंकि साउथ पंजाब में लोग खुद देखते हैं अपनी आंखों से कि वहां तरक्याती अमल एक बेमिसाली और इसलिए तो लोग छोड़कर आपको नहीं गए, पार्टी को छोड़कर नहीं गए। जितनी के क्या सराइयां की जाती थी कि बहुत सारे लोग छोड़ जाएंगे, बहुत कम छोड़ के गए, वो छोड़ के भी वही गए जिनकी जिनकी कोई वाबस्तगी मुस्लिम लीग उनके साथ सच नहीं कोई। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास लाहौर में जारी है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत कई उम्मीदवार कमेटी के रूबरू पेश हुए हैं। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली की 4 नशिस्तों से इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। वो कराची, डीजी खान, सवात और लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी पे बात कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान ये बताएगा कि लाहौर में मुख्तलिफ हलकों के लिए कौन से उम्मीदवार ज्यादा मौजूद हैं और जैसा कि पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी है तो किन किन नामों पे गौर किया जा रहा है। जी, लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं, पहले 13 थे। पिछली मरतबा 2013 के इंतखाबात में इस मरतबा एक कौमी असम्बली की नशिस्त जो है बढ़ाई गई है, जबकि एक जो है 122 जिसमें सरदार रियाज सादिक 2 मरतबा जीते थे उस हलके को खत्म करके मुख्तलिफ हलकों में 3 हलकों में जो है उसको जो है तकसीम कर दिया गया है। अब 14 नशिस्तों के ऊपर जो है तकरीबन 33 उम्मीदवार जो है वो सामने आए हैं। उस हवाले से आज लाहौर डिवीजन का चूंकि सारा जो था पार्लिमानी बोर्ड के जो उम्मीदवारान थे उनके इंटरव्यूज थे, उस हवाले से लाहौर डिवीजन और खसूसन लाहौर के जो उम्मीदवारान थे वो बोर्ड के सामने पेश हुए हैं, जिसमें वजीराला शहबाज शरीफ भी थे और उनके साथ साथ मरियम नवाज भी थी। मरियम नवाज जो है उनका 125 और 127 पे पहले ही नाम जो है गुज़िश्ता रोज दुनिया न्यूज ने ये खबर दी थी कि वो 127 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी। उन्होंने उन वहां से कागजात नामजदगी हासिल कर ली है, लेकिन अभी हतमी तौर पर किसी भी उम्मीदवार का खुदसन लाहौर के अंदर ना सूबाई असम्बली और ना ही कौमी असम्बली के किसी उम्मीदवार का, लेकिन NA 124 जो है वो हमजा शहबाज का बिल्कुल वाजह है कि वो वहां से इकलौते ही उम्मीदवार हैं और वहीं से वो इंतखाब में हिस्सा लेंगे। NA 123 है वहां से मलिक रियाज हैं, जईम कादरी हैं और एक और दो लोग और हैं। उस हवाले से जो कारकुन है मुकामी, इस हवाले से उनका यही कहना था जी कि जो लोग जीते हुए हैं पार्लिमानी बोर्ड के अंदर, एक तस्वीर सामने आई है आज जराए के मुताबिक
कि जो लोग माजी में यानी 2013 में एमएनए रहे और उससे पहले भी मेंबर कौमी वास्प असेंबली रहे, उनको हर सूरत जो है रिपीट किया जाए, यानी उनको टिकट हर सूरत दिया जाए। इस वजह से कुछ रतोबदल जो आ रहा है सामने, उसमें यह है कि मरियम नवाज की एक सीट है 125 जो उनकी वालिदा की मोहतरमा की सीट थी, हो सकता है वो 125 के बजाय 127 पे आ जाए, और मलिक परवेज जो है वो 127 के बजाय या तो 125 में चले जाएंगे, या वो मलिक परवेज जो है उनको होल्ड कर लिया जाएगा और उनके दिए जो है कोई जिमनी इंतखाब के अंदर नशिस्त जो है वो उसको खाली जब होगी तो उसमें उनको लड़ाया जाएगा। मियां शहबाज शरीफ जो है अपनी पुरानी नशिस्त पर ही कौमी असम्बली के लाहौर के हल्का जो है उसी से लड़ेंगे 128 से। इस हवाले से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी हासिल कर लिए हैं, और मियां शहबाज शरीफ का जो चारों सूबों से लड़ने का है उसका पैगाम ये देना है कि चूंकि वो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं।